नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की खास रिपोर्ट में। खास रिपोर्ट पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा प्रदूषण वातावरण पर। दर्शकों, सनातन का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व जिसे हम छठ महापर्व के नाम से जानते हैं, वह कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त हो गया। आज हम क्यों बात कर रहे हैं छठ की? तो दोस्तों, छठ की जो पूरी पूजा प्रक्रिया है उसमें जल का बहुत बड़ा अपना एक योगदान है या उसकी सहभागिता है, वह भी जल तालाब जलाशय नदी का। उसमें जितनी भी वृत्तियाँ होती हैं, खड़े होकर उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर अपनी पर्व अपने व्रत को पूरा करती है, यह एक प्रक्रिया है छठ को ऊपर ऊपर से समझने के लिए कि छठ की मनाने की एक तय प्रक्रिया क्या है। तो यह पूरी प्रक्रिया तय है। दिल्ली में भी एक नदी बहती है, नाम है यमुना नदी। एक दौर था दर्शकों, मैं अगर अपनी निजी बात करूं तो जब मैं बचपन अपना याद करता हूं तो हम लोग छठ मनाने यमुना नदी जरूर जाते थे। वहां पर बहुत चहलकदमी रहती थी, बच्चे खेलते थे, चंचलता का प्रदर्शन करते थे, हर पूरा जो माहौल था वो छठ में डूबा रहता था। अलग अलग भक्ति भाव के गाने चलते थे, व्रतियाँ अपने मनोकामनाओं के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना करती थी। लेकिन अब मैं छठ पर जाता हूँ वहाँ तो मैं देखता हूँ कि ये सब वहाँ से गायब हो चुका है। मानिए कि ऐसा हो गया कि वहाँ अब ऐसा कभी होता ही नहीं था। चंद वृत्तियाँ जो किसी भी मजबूरी वश वहाँ आती हैं और वहाँ आकर छाग निकलते यमुना में अर्घ और अपने पूजा को पूर्ण करने के लिए मजबूर होती हैं। मेरे को आज भी याद है जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे इस देश में और दिल्ली उसका मेज़बान बनने वाला था। उस समय शीला दीक्षित सरकार ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए, एक पूरा लंबा चौड़ा बजट यमुना की सफाई के लिए दिया गया, लेकिन उसकी परिणति से क्या निकला? और अधिक गाद और छाक पैदा करती दर्शकों यमुना, ये निकला उसकी परिणति से। अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह सत्ता में आना चाह रहे थे, उन्होंने यमुना का मुद्दा बनाया। यमुना का मुद्दा बनाने के बाद उन्होंने कहा कि दोस्तों, दिल्ली की जनता, मैं आपको एक ऐसी यमुना बनाकर दे दूंगा जो कि इतनी साफ होगी कि आप कभी भी वहां जाकर जग में पानी भरकर पी सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ना सका और अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों का आशीष ले ना सके। पूर्वांचल के लोगों ने एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 33% की आबादी इस दिल्ली की जनता की जो कुल आबादी है, जनसंख्या उसकी लगभग 33% आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। पूर्वांचल के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कड़ा संघर्ष और योगदान किया, लेकिन पूर्वांचल के ही लोग अपना व्रत एक साफ व्यवस्था में नहीं मना पा रहे। दर्शकों, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, अलग अलग अपार्टमेंट्स में, अलग अलग कॉलोनियों में अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अलग अलग कॉलोनियों में छठ मनाने के लिए पैसा आवंटित कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन क्या हम अपने मूल को खत्म कर सकते हैं? क्या नदी की तुलना एक ठहरे हुए जल से हो सकती है? आप दर्शकों ये खुद तय करिए कि ऐसा हो सकता है। केजरीवाल साहब ने उस दौर में शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित ने पूरी तरीके से जो पैसा यमुना को साफ करने में लगाया जाना था उस पर भ्रष्टाचार कर दिया। लोगों को लगा भी, कई हजार करोड़ों के भ्रष्टाचार का केजरीवाल साहब ने दावा किया। लोगों को लगा भी कि क्या पता ऐसा हो गया हो, शीला दीक्षित का नाम, इसकी सरकार में ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें हजारों करोड़ों के घोटाले को लेकर शीला दीक्षित पूरी तरीके से घिरी हुई थी। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने भी उसी समय
राजनीति में दस्तक दी और लोगों के मन में कॉमनवेल्थ गेम्स की यादें ताजा थी। उन्होंने यमुना के साथ उसे रिलेट किया और शीला दीक्षित की सरकार चली गई। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल साहब आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, अलग अलग जगह के प्रोग्राम में चलते हैं। पूरी पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रशंसाओं से पट जाती है। लेकिन असलियत कब खुलती है? दिल्ली में दो ही बार सरकार की असलियत खुलती है। एक तो मानसून के समय सरकार के उस दावे की असलियत खुलती है कि हमने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को वर्ल्ड क्लास कर दिया है, या दूसरा जब जनता से जुड़ा कोई मुद्दा जनता उसे खुद भोगेगी एक टाइम के बाद तब। यानी छठ और यमुना जनता से जुड़ा मुद्दा है और छठ के समय यमुना को जनता महसूस करती है तभी पोल खुलती है। मानसून में भी ड्रेनेज सिस्टम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मानसून में जनता को बेहतर ड्रेनेज सिस्टम को महसूस करना होता है कि उनकी गाड़ी जाम फ्री होकर निकले, कहीं पानी का ब्लॉगिंग ना हो, लेकिन मानसून में खराब ड्रेनेज सिस्टम को भी महसूस करती है। जिस तो जनता के सीधा सरोकार मुद्दों पर ही सरकार की पोल खुलती है। यमुना को हमने जब कल 19 तारीख को देखा, जिस तरीके से यमुना से झाग निकल रही थी, लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यमराज की बहन कहे जाने वाली यमुना कहीं खुद यमराज को प्यारी ना हो जाए, कहीं खुद वह स्वर्ग लोक में ना सिधार जाए, क्योंकि यमुना की स्थिति ऐसी है। तमाम दावे वादों के बाद भी यमुना अपने मैली स्थिति पर और सरकार के दावे परस्ती पर रो रही होगी। लोगों ने उसी स्थिति में छठ पर्व किया, उसी अब सोचिए पर्व परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार की को बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से, नाकाबिलियत की वजह से भी मैं कहूँगा कि छठ से शायद उस यमुना में जिस जिस व्रती ने डुबकी लगाई होगी उस व्रती वो व्रती अपने घर बीमारी लेकर गई होगी। आज क्यों बात हो रही है इसकी? बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एलजीपी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार को पूरी तरीके से इस मुद्दे पर घेर लिया। अरविंद केजरीवाल सरकार को एलजीपी के सक्सेना ने यमुना की सफाई पर आईना दिखाया और ट्विटर हैंडल जो अब एक्स कहा जाता है उस पर कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि एक बार फिर कुलुषित प्रदूषित ही छूट गई यमुना, व्रती श्रद्धालु एक बार फिर गाद मलबे और दुर्गंध में पूजा अर्चना के लिए मजबूर हुए, नदी में जाके अर्घ्य अर्पण वर्जित हो गया पर यमुना साफ नहीं हुई। एलजी ने पोस्ट के साथ यमुना की कई तस्वीरें भी साझा की, इनमें से एक छठ घाट की तस्वीर भी है जिसमें केजरीवाल की तस्वीर वाले बैनर पर लिखा है, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित छठ पूजा में आपका स्वागत है। एलजी ने यमुना के की हालात को लेकर कुछ और पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, साल दर साल एक के बाद एक दूसरा वादा, झाग सीवर का बहाव अनियंत्रित है, नदी की तलहटी कचरा फेंकने और खुले में शौच की जगह बन जाती है। ये आज एलजीपी के सक्सेना ने लगातार लिखा सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसके बाद अभी इंतजार है अरविंद केजरीवाल सेना की जवाब का। आपका क्या सोचना है अरविंद केजरीवाल के वादे और दावों को लेकर? आप हमें जरूर लिख भेजें। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।